बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, कल हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है वो खत्म हो गया था। नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 3 है जो स्टार्ट कर रहे हैं। आपको अगर याद हो, उसमें हमने चैप्टर नंबर जो 1 था उसमें हमने जनरल प्रेडिक्टेबल के बारे में पढ़ा था। जो चैप्टर नंबर 2 था उसमें हमने आपके प्रेडिक्टेबल के ग्रुप नंबर 1 और 2 के एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ उसके कंपाउंड्स को डिस्कस किया था। अब जो चैप्टर नंबर 3 है, इसमें अगले जो 2 ग्रुप हैं, ग्रुप नंबर 3 और 4, उनके जनरल प्रॉपर्टीज हैं और उनमें से कुछ जो कंपाउंड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज हैं, उनके फिजिकल भी हैं, केमिकल भी हैं, कुछ रिएक्शंस भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। चैप्टर नंबर 3 हमारा ग्रुप 3 और 4 है एलिमेंट्स पे। अच्छा, इसमें इसके नोट्स आपके जो है ना वो मैं आपको फाइनल करके दूंगा कल तक। कल इंशाल्लाह आपको ना वो मैं कल तक कर दूंगा व्हाट्सएप में, इस चैप्टर के बना के ना फाइनल थोड़े से कर उसको रिवाइज करके, तो वो फिर आप उसको देख लीजिएगा और उससे आपसे अपनी तैयारी साथ साथ करते रहिएगा। अच्छा, ग्रुप 3A जो एलिमेंट्स हैं, इसमें हमारे पास जो फर्स्ट आपका ये जो पॉइंट है ना, ये ग्रुप 3 एलिमेंट्स की जनरल उसने दी हुई है इंट्रोडक्शन। इसमें हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन कह लें या एक MCQ बनता है, जो ये सेकंड थर्ड पैराग्राफ है ना, द स्मॉल साइज एंड हाई न्यूक्लियर चार्ज ऑफ बोरोन मेक इट नॉन मेटेलिक। जो तीसरा ग्रुप है ना, उसमें बाकी सारे एलिमेंट्स आपकी मेटल्स हैं, एलुमिनियम और उससे नीचे लेके ना, ये सारे हैं। बोरोन पहला था, एलुमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, एंड तक जो है ये सारी मेटल्स हैं, सिवाय बोरोन के, जो बोरोन वाहिद ग्रुप एलिमेंट है जो नॉन मेटल है। इसका नॉन मेटेलिक करेक्टर क्यों है, यानी इसके नॉन पेकुलर बिहेवियर, डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है अपने ग्रुप से, उसकी रीजन क्या है? तो जैसे हमने लिथियम और बेरिलियम की बात की थी, वही तकरीबन रीजन इसकी भी सेम ही है कि ग्रुप में टॉप पे होने की वजह से इसका साइज जो है वो छोटा है, और साइज छोटा होने की वजह से वो इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाता। तो मेटल तो वो होती है जो बड़ी इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करती है और तो रिएक्शन में हिस्सा लेती है, लेकिन साइज छोटा होने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो निकोलस के करीब हो गए, ज़्यादा अट्रैक्शन में आ गए, जिस वजह से उन्हें लूज करना मुश्किल हो गया। तो इसी वजह से ये बोरोन जो है ना वो नॉन मेटेलिक की तरफ चली जाती है। तो एक यहाँ पे ये MCQ भी हो सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको बन सकता है कि स्मॉल साइज और हाई न्यूक्लियर चार्ज की वजह से बोरोन जो है वो नॉन मेटल के तौर पे बिहेव कर रही है। दूसरा पॉइंट जो आता है इसमें, ये अलग से आपका MCQ भी बनता है और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है कि अब्रप्ट इंक्रीज इन मेटेलिक करेक्टर फ्रॉम बोरोन टू एल्यूमिनियम इज एसोसिएटेड विद द इंक्रीज साइज ऑफ एल्यूमिनियम एटम। यहाँ तक एक पॉइंट आपका बन जाता है कि बोरोन जो है इसका मेटेलिक करेक्टर जो है, बोरोन तो नॉन मेटल होगी ना, और एल्यूमिनियम आपको पता है वो मेटल होगी, तो बोरोन से अगला ही मेंबर था नॉन मेटल, ये बोरोन उससे नेक्स्ट मेंबर जो है मेटल एल्यूमिनियम है, और दोनों में प्रॉपर्टीज का इतना ज़्यादा गैप है कि ये प्योरली नॉन मेटल है बोरोन, और एल्यूमिनियम जो है वो प्योरली मेटल बनती है, ये MCQ के हवाले से। और वजह उसने यही बताई है कि एल्यूमिनियम का जो साइज है वो बोरोन की नस्बत से बहुत ज़्यादा बड़ा है, और साइज बड़ा होने की वजह से वो अच्छी मेटल बन गई, इलेक्ट्रॉन लूज करना उसके लिए आसान हो गया। MCQ में तो हो सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी अगर बनाए तो आप इसका रीजन यही आपकी बनेगी कि इंक्रीज साइज एल्यूमिनियम का बहुत ज्यादा है बोरोन की नस्बत से। द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज इज नॉट रेगुलर इन दिस ग्रुप, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन हैवियर मेंबर्स व्हिच हैव पुअर शील्डिंग फैट देन एस एंड पी इलेक्ट्रॉन्स। ये आपका इम्पोर्टेंट, वैसे MC शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है और MCQ भी हो सकता है, ये वाला बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आया तो नहीं है बोर्ड के पेपर में, लेकिन इसकी जो रीज़न है और इसका जो वो बता रहा है कि सवाल इसका बनाया जा रहा है
के चांसेस हैं। क्वेश्चन उसने ये पूछा है कि द इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज इज नॉट रेगुलर, यानी इस ग्रुप में एटॉमिक साइज का इंक्रीज होना वो रेगुलर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है, अमूमन रेगुलर से यही समझ आती है कि कुछ का इंक्रीज हुआ होगा, कुछ का डिक्रीज हो गया होगा, फिर इंक्रीज हो गया होगा, इस वजह से हमने कहा रेगुलर नहीं है। ये वजह नहीं है, असल वजह ये है कि जैसे मैं एग्जांपल दूँ, ये आप देखो ना ज़रा इधर, ये जो टेबल नज़र आ रहा है आपको, इसमें ये अटोमिक रेडियस पिकोमीटर में लिखा हुआ है, इसमें बोरोन का रेडियस लिखा हुआ है 80, एल्यूमिनियम के लिखा हुआ है 125, यानी 80 और 125 में कितना फ़र्क है, तकरीबन 45 का फ़र्क है। अच्छा, उससे अगला गैलियम उसका 126 है, यानी 125 और 126 में कितना फ़र्क है, सिर्फ एक फ़र्क है। उसके बाद है वन इंडियम का 144, अब 126 और 144 को कंपेयर करें तो इन दोनों में तकरीबन आपका डिफरेंस बनता है 18 का। थैलियम जो है 148 है, 144 और 148 इन दोनों में फ़र्क सिर्फ 4 का, यानी इंक्रीज तो हो रहा है रेडियस ना, 80 छोटा है 125 उससे बड़ा, 126 उससे, 144 उससे, 148 इससे। डाउन द ग्रुप जाएँ तो हम जनरल कहते हैं कि एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होता जाता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल ज़्यादा आते जाते हैं, तो बात वो यहाँ पे फिट है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन दूसरा जो पॉइंट है इसमें आता है वो ये आ रहा है जो उसने बात की कि वो इंक्रीज रेगुलर नहीं है। देखिए ना, पहले बोरोन और एल्यूमिनियम में फ़र्क 45 का था, उससे अगले में सिर्फ एक का था, फिर 18 का, फिर सिर्फ 4 का, तो मतलब इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन इंक्रीज एक रेगुलर पैटर्न पे नहीं है, कुछ का ज़्यादा इंक्रीज हो गया, कुछ का इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ। तो ये पॉइंट, ये जुमला इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, द इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज इज नॉट रेगुलर इन दिस ग्रुप। ओके ओके, फिर नेक्स्ट है, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन हैवियर मेंबर्स विच हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट देन एस एंड पी इलेक्ट्रॉन्स। इसकी वजह क्या है कि वो रेगुलर क्यों नहीं है, तो कहता है जो इसमें जो आपके मेंबर आते हैं ना वो डी इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल्स उनमें आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा रेगुलर नहीं रहता। इसी को अगर मैं एक और अंदाज से आपको दिखा, तो ये आपका रेडिक टेबल था, इसमें देखें जो बोरोन है इसमें डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन नहीं है, एल्यूमिनियम में भी नहीं है, ये जो गैलियम है इसमें डी वाले आ जाएंगे क्योंकि ये डी वाले ऑर्बिटल्स जो वाले ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके बाद ये गैलियम आ रहा है, तो इनके बाद आने इसमें भी डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, इंडियम में भी डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, थैलियम में भी इन्वॉल्व है, इन तीनों में डी इन्वॉल्व है, बोरोन और एल्यूमिनियम में नहीं है। अच्छा, अब डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा। अब उसने एक जुमला यहाँ लिखा हुआ था कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, डी इलेक्ट्रॉन्स, डी ऑर्बिटल आ गया, डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन आ गए, क्लियर हो गया, इन हैवियर मेंबर, हैवियर मेंबर ये नीचे वाले हो गए ना, यानी गैलियम इंडियम थैलियम में, ठीक है जी, विच हैज पुअर शील्डिंग इफेक्ट, उनका शील्डिंग इफेक्ट पुअर है देन एस एंड पी इलेक्ट्रॉन्स, एस और पी इलेक्ट्रॉन की निस्बत से। शील्डिंग इफेक्ट आपको अगर याद हो वो ये था कि वैलेंस शेल जो है और उसके इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के जो इलेक्ट्रॉन हैं इनके दरमियान अगर और इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो वो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम कर देते हैं, तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर उनकी अट्रैक्शन कम होगी तो उसका नुकसान क्या होगा कि वो जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर हो जाएंगे तो साइज ज़्यादा हो जाएगा, जितना शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा उतना उसकी न्यूक्लियस अट्रैक्शन कम और साइज बड़ा होगा। अब वो कह रहे हैं कि अगर अंदर आने वाले इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में हो या पी ऑर्बिटल में हो तो वो बड़ी आसानी से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को रोक लेते हैं, शील्ड कर लेते हैं, उनका शील्डिंग इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर वही डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हो, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हो तो उन वो इतनी आसानी से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को रोक नहीं पाते, जिसकी वजह से उनके लिए जो वैलेंस शेल के ऊपर न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो कायम रहती है तो साइज फिर इतना ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाता, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की वजह से वो शेल न्यूक्लियस की तरफ खींचा रहता है तो साइज जो है वो इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो पाता। अब क्वेश्चन अब ये रह गया, ये तो क्लियर हो गया, पहला सवाल था कि रेगुलर इंक्रीज उसमें क्यों नहीं है, तो हमने बता दिया कि इसमें डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, इस वजह से
रेगुलर जो है वो इंक्रीज इन एटॉमिक साइज नहीं है। अब अगला जो सवाल हम अपने समझने के लिए कि इसकी क्या वजह है कि एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा शील्डिंग करते हैं, पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन उससे ज़रा कम है, डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन उससे भी ज़रा कम है शील्डिंग इसकी कम, एफ के आएंगे तो और ज़्यादा कम शील्डिंग करेंगे, इसकी क्या वजह आ सकती है? इसमें मैं आपको इसकी डायग्राम ड्रा करके ना जरा एक पॉइंट समझाता हूँ। के सपोज करें कि ये आपके पास न्यूक्लियस है, ठीक हो गई, ये न्यूक्लियस है। अच्छा, अब इस न्यूक्लियस के गिर्द आप अब जो ड्रा करना चाहते हैं, सपोज करें कि ये एस ऑर्बिटल है, ठीक हो, ये उससे बड़ा पी पी हो गया, दूर होते जाते हैं, और ये डी कह रहे, एफ होगा तो इससे भी पीछे आ जाएगा। अब ये आपके पास है एस ऑर्बिटल, ठीक है, ये आपके पास है पी ऑर्बिटल, ये आपके पास है डी ऑर्बिटल, और ये आपके पास है एफ ऑर्बिटल। अच्छा, अब अगर इसके ये समझे कि ये सपोज करें ये बल्ब है, न्यूक्लियस जो है ना ये बल्ब है, तो बल्ब के करीब अगर आप हाथ रख लें तो आप उस आपका हाथ का साया बहुत बड़ा होता है, आप उस बल्ब की ज़्यादातर रोशनी को रोक लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप बल्ब से दूर होते जाए ना तो आपके जो हाथ है उसका साया छोटा होता जाता है, यानी आप इतनी ज़्यादा रोशनी को रोक नहीं पाते। कुछ यही पॉइंट यहाँ पे है कि एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के चूंकि करीब है ना तो ये ज्यादा उसके हिस्से को ब्लॉक कर रहा है, ज्यादा रोशनी को रोक, ज्यादा उसकी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को रोक रहा है जो पिछले फिर फील नहीं करते। पी वाला जरा दूर है तो दूर होने की वजह से ये न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को रोक तो रहा है लेकिन कम हो जाती है, क्योंकि वो इधर साइडों से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन निकलती रहती है जो दूसरे पीछे वाले इलेक्ट्रॉन तक पहुंचती रहती है। डी और दूर हो गया तो उसमें और ये वो हो गया, एफ उसके अलावा और उससे ज्यादा दूर हो गया तो इसके लिए ब्लॉक करना और मुश्किल हो गया, तो ज्यादातर फिर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन साइडों से वो दूसरे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन तक पहुंचती रहती है। तो ये रीजन बनती है कि एस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन चूंकि न्यूक्लियस के करीब है तो ये ज्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन को ब्लॉक कर लेते हैं, पी वाले उससे कम करते हैं, डी उससे कम करते हैं, एफ वाले उससे कम करते हैं। तो ये आपके यानी बेसिक इसकी रीजन बनती है इस पॉइंट की कि डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा पुअर शील्डिंग फैक्ट क्यों रखते हैं बनिस्बत एस या पी इलेक्ट्रॉन। ये आपका यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन था जी। उसके बाद नेक्स्ट है इनकी अकरेंस है, अकरेंस ऑफ बोरोन एंड एल्यूमिनियम। इसमें आपके पास एक ये एमसीक्यू बनता है बोरोन के बारे में कि इट इज नॉट एन अबंडेंट एलिमेंट, ये अबंडेंट एलिमेंट नहीं है। दूसरा, इट अकर्स इन ट्रेसेस इन मोस्ट सॉइल्स एंड हैज फाउंड टू बी असेंशियल इन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ मेनी प्लांट्स। ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर आपका 15, उसमें आएगा ना फर्टिलाइजर, उसमें ये भी ये पॉइंट दोबारा रिपीट होगा कि जो प्लांट्स होते हैं उनको कौन कौन से एलिमेंट चाहिए होते हैं अपनी ग्रोथ के लिए ज्यादा अमाउंट में, और कौन कौन से चाहिए होते हैं कम अमाउंट में। तो जो ज्यादा मोड में चाहिए उनको हम नाम देते हैं असेंशियल, और जो असेंशियल में जरूरी इंग्रेडिएंट्स, और जो ज्यादा मोड में नहीं चाहिए उनको नॉन असेंशियल कह लें, या उनको एक और नाम भी देते हैं माइक्रो। माइक्रो होता है ना छोटा, यानी थोड़ी मोड में चाहिए, और जो ज्यादा मोड में चाहिए उनको मैक्रो कहते हैं, वो लार्ज मोड में चाहिए। तो बोरोन जो है ये माइक्रो में से आता है, यानी ये प्लांट्स को थोड़ी मोड में चाहिए होता है अपनी ग्रोथ के लिए। ये एमसीक्यू एक यहाँ पे आपका बनता है जी। उसके बाद है बोरोन इज ऑलवेज फाउंड इन नेचर कंबाइंड विद ऑक्सीजन यूजली एज ऑक्सीबोरेट आयंस। बोरोन अकर्स प्रिंसिपली एज साल्ट्स ऑफ वेरियस पॉलीबोरिक एसिड्स। ये एमसीक्यू दोनों, एक तो ये ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीबोरेट आयंस की शक्ल में पाया जाता है। अब देख रहे यहाँ पे जैसे ये बोरक्स सामने टेबल बना हुआ, इसमें बोरोन को देखेंगे तो बोरोन के साथ ऑक्सीजन मौजूद है, बोरोन के साथ ऑक्सीजन मौजूद है, यानी ऑक्सीबोरेट की आयंस की शक्ल में
ऑक्सीजन और बोरोन मिलके आयन जो बनाते हैं उस शक्ल में ये नेचर में पाया जाता है। दूसरा उसको हम पॉलीबोरिक एसिड भी बोल सकते हैं, वो भी हम आगे फार्मूले वगैरह पढ़ेंगे इनके, पॉलीबोरिक एसिड्स के कौन कौन से होते हैं और वो कैसे किस तरह पाए जाते हैं। ये बात होगी एल्यूमिनियम की, एमसीक्यू भी यहाँ पे है, जनरली शॉर्ट क्वेश्चन तो ये के वाले से इम्पोर्टेंट सवाल तो नहीं है ये। उसके बाद एल्यूमिनियम इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, ये आपने एमसीक्यू में याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, क्योंकि आपका जो है ना ये ऑक्सीजन और सिलिकॉन, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा आपको पता है जमीन के आप अगर जमीन की अर्थ क्रस्ट को देखें तो उसमें आपको सबसे ज्यादा जमीन के ऊपर पानी हम कहते हैं ज्यादा होता है, जमीन खुश्की कम है और पानी ज्यादा, पानी जहाँ पे है तो वहां पे आपको पता है रेत वगैरह सैंड्स भी आएंगे, तो सैंड यानी काफी सारी अमाउंट में होती है। अब सैंड का हम जब फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला निकालते हैं ना तो वो बनता है SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है ना SiO2, एक सिलिकॉन के हिस्से में दो ऑक्सीजन है SiO2, जैसे ये देखें ना ये इधर लिखा हुआ है ये SiO2, ये कॉलिन जो लिखा है इसके आगे SiO2, तो एक सिलिकॉन के हिस्से में दो ऑक्सीजन आ रही, तो ऑक्सीजन सबसे मोस्ट अबंडेंट है अर्थ क्रस्ट में, ये अर्थ क्रस्ट की बात हो रही, इसमें हवा वाली ऑक्सीजन नहीं गिरी जा रही, तो अर्थ क्रस्ट जमीन के अंदर जो कंपाउंड्स वगैरह उनकी बात हो रही, तो ऑक्सीजन सबसे मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में, सबसे नंबर वन पे ऑक्सीजन, नंबर टू पे सिलिकॉन और नंबर थ्री पे एलुमिनियम है। ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, पास पेपर में ये आया हुआ एमसीक्यू कि एलुमिनियम कितने नंबर पे आता है, ऑक्सीजन का भी आया हुआ सिलिकॉन का भी, याद रखना है आपने ऑक्सीजन नंबर वन पे, सिलिकॉन टू पे और एलुमिनियम थ्री पे। उसके बाद ये नेचर में कैसे पाया जाता है एलुमिनियम, इन दी फॉर्म ऑफ एलुमिनो सिलिकेट्स मिनरल्स, ये एलुमिनो सिलिकेट मिनरल्स की शक्ल में पाया जाता है नेचर के अंदर। ये आप देखो यहाँ जितने भी आपको एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम के ओर्स का टेबल है, इसमें एल्यूमिनियम के साथ आपको सिलिकॉन नजर आएगा, एल्यूमिनियम के साथ सिलिकॉन, ये एक कोरंडम जिसमें एल्यूमिनियम अकेला है, बाकी ये एल्यूमिनियम सिलिका है, बस ये तीन चार है जिसमें वो अकेला भी आ रहा है। तो एल्यूमिनियम सिलिकेट्स के तौर पे यानी ज्यादा प्रीमियरली होता है ना, ज्यादातर मेन अमाउंट जो है ना ज्यादातर यानी परसेंटेज इसकी एल्यूमिनियम सिलिकेट की है, उसके अलावा भी आप देख रहे हैं और भी है जिसमें सिलिकेट इसके साथ नहीं आता, सिर्फ एल्यूमिना ही है। तो ये पाया जाता है रॉक्स में एंड आउटर पोर्शन ऑफ द अर्थ में पाया जाता है, ये एमसीक्यू हो गए। उसके बाद है द अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप थ्री, गैलियम इंडियम थैलियम आर रिलेटिवली लेयर एंड आर ऑब्टेन्ड एज बाई प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ अदर मेटल्स, कि ये रेयर हैं और ये दूसरी मेटल्स के बनाने के चक्रों में ये साथ साथ ही मिलते रहे बनते रहे, बाकी नेचर में ये बहुत कम पाए जाते हैं। तो एमसीक्यू मेन आपका जो यहाँ पे बोर्ड के पॉइंट है वो से इम्पोर्टेंट था वो यही था, एक बोरोन का था कि ये प्लांट्स को वेरी स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है, नंबर दो पे था कि ऑक्सीबोरेट की शक्ल में पाया जाता है, नंबर थ्री पे ये साल्ट्स होते हैं पॉलीबोरिक एसिड के, नंबर फोर एमसीक्यू था कि एल्यूमिनियम थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, नंबर फाइव था कि एल्यूमिनियम जो एल्यूमिनो सिलिकेट्स की शक्ल में मेनली ज्यादातर पाया जाता है। तो ये इसमें बाकी ये टेबल वगैरह आपने इसमें ये प्रॉपर्टीज वगैरह उन्होंने जरूर दी हुई है कुछ कंपेरिजन के लिए, लेकिन आपने इनको याद नहीं करना। बाकी इसमें जो आपके बोरक्स के टेबल है इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है ना, जैसे ये देख बोरक्स वाले तो तीनों इम्पोर्टेंट हैं, आगे आपके इस चैप्टर पे ये आगे रिपीट भी हो जाएंगे तो वहाँ पे ये याद भी हो जाएंगे इनके फार्मूले वगैरह, तो एमसीक्यू के वाले से ये आए भी हुए हैं, तो इधर ना भी करें तो आगे फार्मूले इनके आपके ये तैयार हो जाएंगे। जो एल्यूमिनियम है उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट एक फेल्डस्पार है ये भी आगे आपकी बुक में आ जाएगा, और एक क्रायोलाइट है ये यहीं पर आपको याद करना पड़ेगा, ये आगे रिपीट नहीं होता, और कोरंडम एलुमिना और बॉक्साइट इनके एमसीक्यू पास पेपर में भी आए हुए हैं, फार्मूले के नाम नाम देते हैं और फार्मूला पूछ लेते हैं, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, बाकी को भी एक नज़र ज़रूर देख लें लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है जिनके एमसीक्यू के तौर पे आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक पेकुलर बिहेवियर ऑफ बोरोन, जिस तरह हमने बात की थी लिथियम की पहले ग्रुप के टॉप पे था और पेकुलर बिहेवियर शो कर रहा था, उसकी प्रॉपर्टीज कई अपने ग्रुप से मुख्तलिफ थी, इसी तरह फिर हमने बात की बेरिलियम की जो दूसरे ग्रुप के टॉप पे था और उसकी भी पेकुलर
ये लिथियम पहले ग्रुप के टॉप पे था जो पैकुलर बिहेवियर शो कर रहा था, ब्रिलियम दूसरे ग्रुप के टॉप पे था जो डिफरेंट पैकुलर बिहेवियर शो कर रहा था, और बोरोन इस वक्त तीसरे ग्रुप के जो टॉप है ये भी अपने ग्रुप से डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये पैकुलर बिहेवियर। जो रीज़न आपने लिथियम ब्रिलियम की बताई थी वही तकरीबन इसी की आती है कि ग्रुप में टॉप पे होने की वजह से साइज इसका बहुत छोटा आ जाता है, उस साइज छोटा होने की वजह से इनके लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल हो जाता है, तो नीचे वाले मेटल बनी है और बोरोन जो है वो नॉन मेटल बनी है। तो एक तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है आपका कि पेकुलर बिहेवियर ये शो करता क्यों, तो उसका आंसर हम यही देते हैं कि पेकुलर बिहेवियर ये शो क्यों करता। एक शॉर्ट क्वेश्चन तो ये हो गया जी, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाला कि व्हाई बोरोन शो द पेकुलर बिहेवियर, ठीक है, उसकी रीजन आपने देनी ड्यू टू स्मॉल साइज, साइज उसका छोटा है, ये आपके इधर शॉर्ट क्वेश्चन भी बना हुआ है 6 नंबर पे ना, शॉर्ट क्वेश्चन एक और, साइज छोटा है, हाई चार्ज डेंसिटी है जिसकी वजह से ये न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो गया तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल हो गया, आयनाइज एनर्जी ज्यादा हो गई तो ये पेकुलर बिहेवियर में चला गया, दूसरे एलिमेंट से इसके प्रॉपर्टीज डिफर कर गई। सेकेंड इसका अब ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है इसका, और ये हेडिंग्स बनाई है आपकी नोट्स में, हेडिंग्स आप इसी तरह तैयार कर लें, और ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है, तो एक्सरसाइज में भी ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इन्होंने दिया हुआ है तो पेपर में आने के चांसेस भी इसके हैं जरूर, इन इंपॉर्टेंट सवाल है। पेकुलर बिहेवियर बोरोन में फर्स्ट है जो पॉइंट आपके ना आपकी बुक में 5 पॉइंट दिए हुए हैं, इन्हीं 5 पॉइंट्स की 5 हेडिंग्स जो मैंने बना दी हैं, फर्स्ट है जी नॉन मेटेलिक नेचर, के बोरोन वाहिद इस ग्रुप में एलिमेंट है जो नॉन मेटल है, बाकी एल्यूमिनियम और उससे नीचे वाली सारी मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती हैं लेकिन बोरोन नहीं कर सकती, वो नॉन मेटल है। दूसरा जो है वो नॉन मेटल विद 3 इलेक्ट्रॉन्स, ये वाहिद नॉन मेटल है जिसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब आपकी बुक पे असल में एक वर्ड से लिखा हुआ था, आपकी बुक पे अगर आप देखें ना तो वहां पे उन्होंने लिखा हुआ है इट इज द ओनली एलिमेंट विद लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल विच इज नॉट अ मेटल। मोमन होता ये है कि जिसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जैसे पहले ग्रुप वाले वो भी मेटल है, जिनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है दूसरे ग्रुप वाले वो भी मेटल है, इसी तरह जो तीसरे ग्रुप वाले जिनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है वो भी मेटल है, पहले ग्रुप वाले भी मेटल, दूसरे वाले भी और तीसरे ग्रुप के 3 इलेक्ट्रॉन वाले भी मेटल है, ठीक हो गए। जो चौथे ग्रुप वाले वहां से आपकी नॉन मेटल शुरू हो जाती हैं और आगे चलती जाती है, तो मगर ये वाहिद एलिमेंट है जिसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन यानी 4 से कम है, 4 इलेक्ट्रॉन से कम 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये नॉन मेटल है, ये आपकी बुक पे वर्डिंग थी, ठीक हो गई, बुक पे उन्होंने ये लिखा था ओनली एलिमेंट विद लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन। इसको मैंने जरा चेंज कर दिया, मैंने हेडिंग ये बनाई है कि नॉन मेटल विद 3 इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह लेस देन 4 को मैंने इसलिए खत्म किया है कि आपकी प्रायर टेबल में हाइड्रोजन भी तो है ना जिसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और वो लेस देन 4 आता है लेकिन वो नॉन मेटल है, तो वो कह रहे थे कि बोरोन वाहिद एलिमेंट है जिसके वैलेंस शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है और वो नॉन मेटल है, हालांकि 4 से कम इलेक्ट्रॉन में हाइड्रोजन भी आ जाती है तो हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है बोरोन भी नॉन मेटल है, तो इसलिए फिर हेडिंग को मैंने जरा मॉडिफाई कर दिया कि ये वाहिद एलिमेंट है विद 3 इलेक्ट्रॉन, यानी इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है लेकिन फिर भी ये नॉन मेटल है, मेटल नहीं है। तीसरा पॉइंट है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी ऑक्सीडेशन ज्यादा है, उम्र तो यही आपने पढ़ा पीछे कि जो पहले ग्रुप वाले हैं इनकी +1, दूसरे ग्रुप वालों की +2, तीसरे ग्रुप वालों की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये जनरल है, लेकिन बोरोन जो इस ग्रुप में मौजूद है वो +3 में भी जाती है और आपका -3 में भी जाती है, दोनों ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं इसकी वेरिएबल ऑक्सीजन, जैसे ये BF3 में +3 लिखा हुआ है, आपको पता है फ्लोरीन के ऊपर -1 होती है ना इसकी वैलेंसी, तो 3 फ्लोरीन के ऊपर -3 हो गया और बोरोन के ऊपर फिर +3 होना चाहिए ताकि ओवरऑल न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो जाए। इसी तरह BH3 में हाइड्रोजन के ऊपर -1, 3 हाइड्रोजन के ऊपर 3 हो गया ना, और बोरोन के ऊपर अब आपको पता है हाइड्रोजन नॉन मेटल से जुड़ी हो, बोरोन भी नॉन मेटल है हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, तो किसी भी नॉन मेटल से हाइड्रोजन तो ज्यादा है ना इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो हाइड्रोजन फिर +1 में जाएगी तो 3 हाइड्रोजन पे +3 आ जाएगा, तो बोरोन पे फिर -3 आएगा ओवरऑल न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाने के लिए,
तो ये नहीं, बोरोन आपके पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड में भी जाती है और -3 ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड्स में भी जा रही होती है, लेकिन दूसरे जितने भी इस ग्रुप में मेंबर हैं वो सारे +3 ऑक्सीजन स्टेट ही शो करते हैं, इसके अलावा वो कोई नहीं शो करते। चौथा है जी एडिशन कंपाउंड्स, के बोरोन की ये अबिलिटी है कि ये एडिशन कंपाउंड्स शो कर सकते हैं, उसकी वजह ये है, जैसे BF3 की एग्जांपल ले रही है, जैसे यहाँ इसने दिया नहीं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड आप बनाते होते हैं अमूमन अमोनिया का BF3 के साथ, कि अमोनिया नाइट्रोजन पांचवें ग्रुप में है ना, बैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर हो गए, पीछे 2 बच गए लोन पेयर की शक्ल में। अब वो लोन पेयर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है बोरोन के साथ, बोरोन के बैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 फ्लोरीन से शेयर होके 6 हो गए, लेकिन बैलेंस शेल तो तब पूरा होता है जब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो 6 का मतलब ये कि 2 की अभी कमी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं। तो BF3 वैसे स्टेबल कंपाउंड है, लेकिन अगर इसको मौका मिले कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन लेने का, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन थ्रू कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ले लेता है, और जिसकी वजह से ये इसका भी बैलेंस शेल फिर 8 से मुकम्मल हो जाता है। तो यहाँ पे वो ये शो कर रहे हैं कि जो बोरोन है इसके जो कंपाउंड है वो एडिशन कंपाउंड बनाते हैं। अच्छा, एडिशन कंपाउंड का वर्ड यूज करने का मकसद भी यही है कि देखो ना, एक अमोनिया का अलग मालिक्यूल है, BF3 का अलग मालिक्यूल है, तो दो मालिक्यूल आपस में जुड़ के एक एडिशन कंपाउंड बना रहे हैं, इस वजह से इसको नाम दे रहे हैं एडिशन कंपाउंड का। पांचवा है जी लास्ट पॉइंट इसमें कोवलेंट कंपाउंड्स, के बोरोन डज नॉट फॉर्म अ स्टेबल कैटायन, बोरोन का कैटायन नहीं बनता, बोरोन का जो है ना वो स्टेबल कैटायन नहीं बनता, तो इस वजह से ये आयनिक कंपाउंड्स भी नहीं बनाता, बल्कि ये कोवलेंट कंपाउंड ही बनाता है सिंपल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करने के वजह से। तो ये पांच इसमें आपके पॉइंट्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी इम्पोर्टेंट, आपने जरूर करना है इसको। अब इस टॉपिक में आपके जो एक्सरसाइज के MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। एक ये MCQ दिया हुआ है, विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉरेस्पॉन्ड्स टू एलिमेंट ऑफ ग्रुप 3A ऑफ द पीरियोडिक टेबल, यानी कौन इन चार ऑप्शन में से बताएं कौन सा एलिमेंट जो तीसरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ज़ाहिर बात, जो तीसरे ग्रुप का होगा उसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, बस यही आपने देखना है कि वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब जैसे फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें आप देखेंगे तो इसका 1s 2s और 2p दूसरा शेल हो गया, और 3s 3p तीसरा शेल, ये वैलेंस शेल है। अब 3s में 2 है और 3p में 1 है, तो 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन ही होने चाहिए तीसरे ग्रुप में, तो आपकी ऑप्शन यही बनती है जी। उसके अगला बी ऑप्शन देखेंगे तो उसके वैलेंस शेल में 4s है, चौथा है, उसमें सिर्फ 2 है, ये दूसरे ग्रुप का एलिमेंट बन रहा है। और ये जो सी ऑप्शन है उसमें 2p6 है, दूसरे शेल में ही 2s में और p में 6, यानी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये 8वें ग्रुप में, नोबल गैस है ये। और फिर जो डी ऑप्शन है उसमें आप बैलेंस शेल देखो तो 3s और 3p है, 3s में 2 है और 3p में 3 है, तो टोटल मिला के ये 5 हो गए, तो बैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये 5वां ग्रुप बनेगा। तो हमने चूंकि तीसरा ग्रुप को देखना था तो हमारी ए ऑप्शन यहाँ पे टिक हो जाएगी। उसके बाद है जी द चीफ ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज, एल्यूमिनियम का चीफ ओर मतलब सबसे सस्ता और जो इसका बनता है ना आपके इसमें आता है, ये आपका ना जो द चीफ ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज, ये भी एक्सरसाइज का MCQ है, इसमें आपकी बी ऑप्शन बनती है Al2O3.2 वाटर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये अभी आपने नाम दिया था इसको .2 वाटर को बॉक्साइड का ना, Al2O3.2 वाटर बॉक्साइड कहते हैं, तो ये बॉक्साइट ये आपका अच्छा ये पेपर में एक दफा MCQ इस तरह भी आया था कि उसने इसको बदल दिया था, बदल ये दिया था कि इस फार्मूले लिखने के बजाय ना जैसे Na3AlF6 फार्मूले के बजाय क्रायोलाइटिस का नाम लिख दिया, इसकी एल्यूमिनियम ऑक्साइड .2 वाटर के बजाय बॉक्साइट लिख दिया, Al2O3 की बजाय कोरंडम लिख दिया, Al2O3. यानी उसने फार्मूले की बजाय उनके नाम लिख दिए थे, तो फिर पूछा चीफ और कौन सा, ठीक है, तो आपने ये फार्मूले के साथ इसका नाम भी याद रखना है, इसलिए उधर मैंने बोल्ड भी किया हुआ इनको, ये ना फार्मूले उसके बोल्ड भी किए हैं ताकि आपको याद रखना आसान हो। उसके बाद है जी विच एलिमेंट फॉर्म्स एन आयन विद चार्ज +3, इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो +3 का चार्ज बनाते हैं, ज़रा तीसरे ग्रुप का एलिमेंट ही बनाते हैं ना। अब तीसरे बेरिलियम तो दूसरे ग्रुप का है, एल्यूमिनियम तीसरे ग्रुप का है, ये आएगा +3 चार्ज में, और कार्बन चौथे ग्रुप में आता है, सिलिकॉन भी चौथे ग्रुप में आता है, तो हमारी ऑप्शन फिर बी आनी चाहिए,
कि तीसरे ग्रुप का जो मेंबर है वही +3 चार्ज बनाएगा। उसके बाद नेम द एलिमेंट्स ग्रुप 3 एलिमेंट, ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है जी, आया नहीं आज तक वैसे पास पेपर में, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं लगता कि सिर्फ नाम ही पूछ लिए जाए। व्हाई डज बोरोन शो पेकुलर बिहेवियर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर है। उसके बाद ये आपका अलग से शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने, व्हाई द इंक्रीज इन एटॉमिक्स इज नॉट रेगुलर इन ग्रुप 3, उसमें हमने वो पुअर शील्डिंग डी इलेक्ट्रॉन की बात की थी। ये शॉर्ट क्वेश्चन इधर मैंने इंपॉर्टेंट नहीं लिखा कि बोर्ड वगैरह में नहीं आया हुआ, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन एक रीजनिंग वाला बनता है तो आप जरूर इसको दे कर लीजिएगा कि क्या पता पेपर में ये भी दिया जाए। चलें यहीं तक बस करते हैं जी। तो नेक्स्ट हमारा बोरक्स जो है ना, वो फिर कंपाउंड बोरोन का है ये, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह।